हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन आवर अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे। और हम तो ठीक नहीं है क्योंकि मेरा सर्दी खांसी फीवर ऐसा कुछ आया हुआ है। तो फीवर अभी ठीक हो गया, दो दिन से फीवर पड़ा हुआ था पर अब ठीक हो गया है। बस खांसी और सर्दी ये सब नहीं जा रहा है, अभी धीरे धीरे चला ही जाएगा, मेडिसिन तो खा ही रहे हैं। और अभी हम लोग उठ चुके हैं और अम्मा सुबह सुबह खेल रहे हैं बहुत ज्यादा बिजी है। ये देखे सुबह उठे और खेलने के लिए सुबह और 10 बज रहे, 9:30 बज रहे। तो 9:30 बजे उठे तो फिर खेलने के लिए बैठ गए ना, ब्रश व्रश करना चाहिए। हाँ तो ये गेम खेल रहे हैं तो हम सोच रहे कि हम भी एक गेम खेल लेते हैं, या अभी डेड हो जाएंगे उसके बाद यू गेम चालू करेंगे तो उसमें खेलेंगे हम भी। उसके बाद जाएंगे, आज बनाएंगे मड़वा रोटी। मड़वा रोटी को बनाएंगे छिलका रोटी टाइप में, लहसुन प्याज वगैरह दे करके। तो ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये पेन ड्राइव, और इसमें मेरे शादी का फोटोज, शादी का वीडियो फोटो सारा इसी में। तो ये हम लैपटॉप में, वो देखिए लैपटॉप इधर रखा हुआ है, उस दिन लैपटॉप में ले रहे थे तो लैपटॉप में कॉपी हो गया है। फिर हम सोच रहे हैं कि हम अपने चैनल ये यूट्यूब में भी अमर नैना ब्लॉग में कुछ एक दो वीडियो अपलोड करें। अगर आप लोग को हमारे शादी का वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें, और उसके बाद हम शादी का हमारे शादी का वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन में मड़वा रोटी बनाने के लिए। कितना खुश हो रहे हो? खुश हो रहे हैं। तो ये है हमारा मड़वा का आटा, ये हम लोग अक्टूबर नवंबर में ही लेकर गए थे, अभी तक है क्योंकि बना नहीं रहे थे, तो आज बना लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम पानी गरम कर रहे हैं, इतना पानी में इसको घोल बनाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो उसमें डालेंगे हम प्याज, डालेंगे लहसुन। अरे सिलेंडर महक रहा है। और आजकल ना क्या होता है ना, जब से सिलेंडर ख़त्म हुआ है, अभी जनवरी लास्ट में हुआ था, ये ऑन करने के बाद भी अगर इसको थोड़ा भी आज कम करते हैं ना तो ये ऑफ हो जाता है और ये ध्यान में नहीं रहता। अभी भी ऐसे ही हुआ था लगभग, अभी दो मिनट तक सिलेंडर ऑन था। तो हमको लगता है ये नीचे से ऑफ है इसलिए। ये देखिए मैंने पानी में मिक्स कर दिया, अब इसमें लेंगे थोड़ा सा नमक, इतना ठीक होगा, वो भी अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर इसके बाद अब इसमें डालेंगे प्याज, मिर्ची, लहसुन, और इधर अम्मा काट के रखे हुए हैं, इधर 3 मिर्ची और ये एक प्याज था, एक प्याज छोटा छोटा बारीकी से अभी ये काट रहे हैं, लहसुन नहीं कटा हुआ था। तो अभी डाल रहे हैं, ये देखिए 3 मिर्ची था, एक प्याज। ऐसा बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मम्मी लोग मोटा मोटा बना के देती है ना। तो ये लहसुन, और इसमें नमक तो ऑलरेडी पहले डाले थे, तो 1 चम्मच जैसे चीनी भी डाल देंगे, खटमिट का टेस्ट आएगा। बस अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं, मिर्ची का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी टेस्ट आएगा, नमक का भी टेस्ट आएगा। तो ये मिक्स हो गया, तेल डालो। तो इस साइड बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में, आज हाई हो रहा था, स्लो हो पर हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम इस साइड चढ़ा दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते क्योंकि मेरे को लग रहा है चीनी पूरा नहीं भूला है, भूल गया होगा। और फिर एक रोटी, अब इसको ढक देंगे।
तो अभी एक मिनट के बाद हम उसको देते हैं। तो अभी हम पलटने का स्थिति में आ गया। बस अभी एक हमारा मड़वा रोटी बन के हो गया है रेडी। तो अभी अम्मा जाएंगे ब्रश करने के लिए और वो आएंगे ब्रश करके इसको भी यहाँ पे रखते हैं। ये भी बाहर का नज़ारा लेते रहेगा। तो ये देखिए इधर फिर से आज काम चल रहा है। क्या क्या लगाया जा रहा पता नहीं, वो बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको लास्ट में थोड़ा आँच बढ़ा देते हैं। ऐसे खाने में मजा आता है। मम्मी लोग मोटा मोटा बना के दे देती है, उसमें नमक बस डालती है, तो वो मजा नहीं आता है जो मम्मी देख रही होगी। क्या क्या भैया ब्रश करिए करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ हाल रहता है इनका, ये जितना नीचे दिख रहा है सब इनका काम है। ये सब हाँ कल बिस्किट खाए शाम में। तो ये देखिए रैपर यहाँ पे रखा हुआ है और कैप ये कल पहन कर क्या है, उसके बाद बेड के नीचे ऐसे घुमा घुमा धोना है तो यहाँ पे फेंकाने से धुलाएगा थोड़ी। और ये भी अपने जगह पे नहीं रखा हुआ है, क्यों नहीं रखा हुआ, ऐसे ही रहता है इनका काम पूरा। ये जो दिख रहा है ना सब इनका काम ये किया हुआ, मेरा बस वो हैंकी और वो ये काम है। वो आप खाए थे कल, आप जब गेम खेल रहे थे ना तब हम आप बोले विक्स दे दो एक मेरे को, ऐसे करके काटे थे पूरा। ये तुम्हारा वाला रैपर है? नहीं इतना झूठ इतना लाई, मेरा वाला दूसरा रैपर है। अच्छा कहाँ पे दिखा दो, मेरा ये लाई है। नहीं वो मेरा है, वो मेरा है, ब्राउन मेरा नहीं है क्योंकि हम अदरक वाला नहीं खाए थे, वो नहीं हनी हनी वाला हम नहीं खाए थे, हम तुलसी वाला खाए थे। ये तुलसी है? हाँ देख लीजिए क्या है जनाब, क्या है जनाब, चॉकलेट है, चॉकलेट तुलसी वाला है ना मिक्स। हाँ ये वाला मेरा था, देखो सबको तो यही फेंके, हम तो एक तो खाए ही थे तो सब गंदा नहीं है तो क्या है। तो बेड में रखने वाला चीज थोड़ी है, तो पहले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कैसे आया यहाँ पे, कौन वाला नीचे जो रैपर है बिस्किट का? ये मैंने लास्ट में तुमको चार पीस दिए थे। नहीं चार पीस मेरा यहाँ पे रखा हुआ था जो हम गुस्सा हुए थे और बोले थे हम नहीं खाएंगे, तो आप वहाँ पे रख के गए थे। ये रैपर आप फेंके, तो एक्सेप्ट करना सीख लो, गलती किया तो एक्सेप्ट करना सीख लो। मेरे को पता है कि चार पीस दिए थे रैपर अच्छा, के साथ में भूल गए, रैपर के साथ नहीं दिए खेल के उसके बाद। बस बस आप नहीं झुकोगे, हमको वो अच्छी तरह से पता है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी मेरा है। मैं कुछ बोलना चाहेंगे तो अभी तो किए रहे, अभी किए तभी तो आधे रखे। ऐसे ही जगह जगह पे रहता है आपका काम, साथ कुछ चीज एक्सेप्ट नहीं करते हो, खाली उसको किए हो खाके उसको नीचे रखे हो। ये भी नहीं साफ हम करेंगे तो हम गंदा क्यों करेंगे, आप तो करते नहीं, मतलब आप ही गंदा कर रहे हैं। हाँ, हम साफ नहीं करते हैं, ऑन स्क्रीन इतना झूठ बोलते हो। ये होता है वाइफ का काम और ये होता है हस्बैंड का काम। तो जो जो वाइफ लोग देख रहे हैं आपके हस्बैंड लोग भी ऐसा कुछ करते हैं क्या, जैसे कि आप घर सजा के रखते हो और ये आके सबको रन भन कर देते हैं, आपके हस्बैंड लोग भी करते हैं क्या? ये तो करने में एक्सपर्ट है, ये तो हम प्रूफ कर ही दिए हैं। और जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं। और इनको हाँ इनको एक चीज चाहिए, बेड के पास इसको डस्टबिन चाहिए, तो अब ये भी होगा है ना। तो वो मिनी वाला डस्टबिन ढूंढ रहे हैं जो ऐसे ढक्कन ऐसे ऐसे होता है ना, वो वाला कि डायरेक्ट उसमें कचरा चले जा रहा है वो ढपा रह जाए, तो वो वाला डस्टबिन यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो वो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो चलो ब्रश कर लो, जाओ जाओ ब्रश कर लो। तो ये छी तो ये खुश हो गया, ओले ले मेरे बाबू ने खाना खाया, ए जाइए ब्रश करिए। ब्रश करके कोई किचन में आता है क्या, ब्रश करते हुए कोई किचन आता है क्या? और बनेगा दो, हाँ दो बन जाएगा बस, और पांच मिनट कितना बना, एक दो
तो इस साइड हम चावल चढ़ा दिए क्योंकि इस साइड खाली था, वैसे भी दोपहर होने ही वाला है थोड़े देर पे, तो साथ में चावल भी बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ दाल चढ़ाएंगे, फिर लास्ट में नहाने धोने के बाद सब्जी चढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो अम्मा भी खा करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। कैसा लगा सीरियसली बताइए। अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने नहा लिया, पूरा फ्रेश हो गया। और पूरे दो दिन के बाद हम नहाए हैं क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, फीवर था, इसलिए आज नहाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छा फील हुआ। और अभी मेरे को इतना सारा ये पूरा कपड़ा फोल्ड करके रखना है। और इधर देखिए गुरु, नहाना धोना नहीं है क्या? और ये ब्लैंकेट के अंदर इसलिए, वो भी उल्टा उल्टा उठाए हुए हैं ब्लैंकेट को, क्योंकि अभी हम फ़ैन ऑन कर दिए, पोछा किए थे ना, तो ये सूखता नहीं है, फिर इधर उधर चलने के बाद पूरा पैर का दाग दिखता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम फैन ऑन कर दिए थे। तब से वो ब्लैंकेट के अंदर ही है, इनको ठंडा लग रहा है। और मेरा आवाज़ अभी तक पूरा पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, तो मैं फटाफट इस कंबल को नहीं, इस कपड़े वगैरह को फोल्ड करते, क्योंकि दो तीन दिन से बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो चेयर पर रखे हुए थे फोल्डने के, तो अभी हम इसको जल्दी से फोल्ड करते हैं। और इनको तो नहाना धोना है नहीं, एक बज गया, अभी खाना खाने का टाइम होगा तब जाएंगे नहाने के लिए, उसी के चक्कर में दो बज जाएगा। फोन चला रहे थे क्या, सोने का एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, पूरा आवाज आ रहा था, जाइए नहाने जाइए जल्दी। जाएंगे ना, पंखा को चला दे। कितना बजे? 4 बजे। इनका हमेशा का यही है, आज टाइम है 1 बजे तक नहा लेना चाहिए, तो अभी तक ये बाप रे, नाटक उतना ही करो, बस करो, हो गया, तो 1 बजे तक नहा लेना चाहिए, फिर जल्दी से लंच वंच कर लेते एकदम टाइम से। लेकिन नहीं, अभी जब खाना होना खाने का टाइम होगा, 3-4 दिन नहीं है, हम एग्जैक्ट 2 दिन के बाद नहाए क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। नहीं नहाए हो कल भी नहीं नहाए हो, परसों भी नहीं नहाए हो, हम नहीं नहा रहे थे तो इनको बोलने का मतलब एक मौका मिल जाता, ये नहीं नहा रही, चलो मेरे को भी मौका मिल गया, नहीं नहाते ही ब्लैंकेट के अंदर छुप के हंसने का क्या तात्पर्य है, उठो और जाओ जल्दी नहाओ मेरे कपड़ा, ठीक है। हम फैन ऑफ करें, उठ जाओगे ना? हम तो ठंडा पानी से नहाए। अरे ठंडा खत्म हो चुका है, पानी गर्म ही आ रहा है, धूप से नॉर्मल हो चुका है पानी, ठंडा नहीं है, जाके नहा करके देखो, उठो जाओ जल्दी, 2 दिन से नहीं नहाया है ये भी, पानी उन्हीं गर्म करेंगे हम, आप जाइए, आप कितना लेट करते हैं, हम अभी आप कपड़ा फोल्ड करेंगे और खुद से जाएंगे खाना वाना खा लेंगे, करते रहो ऐसे ही, हम गरम करते ना। तो देखे ना, हस्बैंड नाम का तात्पर्य ये होता है, ये मीनिंग निकलता है हस्बैंड, खोड़िया हस्बैंड। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्या? हाँ एंड कर दे, क्या पता, उठिए जाइए जल्दी, पंखा को इतना तेज चला के थोड़ा ठंडा कर दे, रो कोई ठट्टा वंडा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इनके लिए कुछ कमेंट भी कर दे जरूर से। अब गरम पानी से नहाए जाइए, आप कोई पानी से नहाइए, लेकिन नहाइए, ओके, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं एक और अनदर ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, हम लोग भी अपने ध्यान रखेंगे, और बाय बाय गुरु, बाय बाय।